Hello, once again, I welcome you all to my channel Explore Education. And MOOC discuss करने के क्रम में हम आखिरी वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं MOOC पे टाइप्स ऑफ MOOCs. एंड आई एम डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, रिसर्च करना गर्ल्स ट्रिनिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद. एंड लेक्चर विल बी इन बाइलिंगुअल मोड एंड मस्ट बी यूजफुल फॉर यू ऑल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, MOOC क्या है हम लोग जान गए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. उसका हिस्ट्री क्या है, उसका ग्लोबल सिनेरियो क्या है, इंडियन सिनेरियो क्या है, स्वयं क्या है, एनपीटेल क्या है, एनएमईआईसीटी क्या है, MOOC के एडॉप्शन में क्या चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, ड्रॉबैक्स, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, एवरीथिंग वी आर नाउ वी आर अंडरस्टैंड अबाउट MOOCs. ओके, देन लास्ट टॉपिक बच गया था टाइप्स ऑफ MOOCs. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको मैंने जानबूझकर अलग किया है कि MOOC के भी प्रकार है. वैसे तो बहुत तरीके के आपको मिल जाएंगे, पर मेनली जनरली ये दो तरीके के MOOC हैं, सी MOOC और एक्स MOOC. देखिए ये सॉरी ये देखिए ये पहले ही वीडियो में ये चित्र जाना चाहिए था कि एम क्या है, मैसिव है, 100, 1000, 10000 नहीं 1 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं. ओपन है रजिस्ट्रेशन, लोकल कोहोर्ट्स है. सी जो कोर्स है वो क्या है, सेल्फ पेस्ड है, स्टार्ट एंड डेट इसकी आप तय कर सकते हैं, है ना, कॉलेज क्रेडिट मिलेगा कि नहीं, बैजेस मिलते हैं किसी किसी में, इंस्ट्रक्टर का क्या रोल है, लर्निंग कम्युनिटी का रोल है कि नहीं, स्क्रिप्टेड असेसमेंट है, फीडबैक है क्या, इतनी तरीके का ये इस कोर्स में इंक्लूजन है. और ऑनलाइन रियल टाइम इंटरेक्शन तो नहीं, बट इंटरेक्शन पॉसिबल है क्योंकि आपका डिस्कशन फोरम रहता है उसमें, है ना. ओपन है, ओपन कंटेंट है, फ्री ऑफ चार्ज है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं, तो इस तरीके का हम लोग जान गए MOOC के बारे में. मेनली यहाँ पर हमारा इंफोसिस किस पर है, टाइप्स पे. तो जो सी MOOC है वो क्या है, फोकस ऑन कम्युनिटी एंड कनेक्शंस है, और जो कि एक्स MOOC है वो फोकस ऑन स्केलेबिलिटी है और एक्सटेंडेड MOOC है. तो ये हमको बहुत कम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ MOOC के बारे में, तो आप जान जाएंगे तो अपर एज रहेगा आपके पास कि सी MOOC क्या है, कनेक्टिविस्ट MOOC, या आप इसको फर्स्ट जनरेशन MOOC भी कह सकते हैं, यानी कि जो शुरुआती MOOC बने हैं वो सी MOOC थे. देन एक्सटेंडेड MOOC जो कि सेकेंड जनरेशन MOOC है, और इनको ऑल्सो ऑल्सो नोन एज कंटेंट बेस्ड MOOC, इनको कंटेंट बेस्ड MOOC भी कहा जाता है. देन सी MOOC के बारे में अगर जानना चाहें तो देखा हम सी MOOC एंड एक्स MOOC, यानी दोनों ही टर्म्स को किसने दिया है, कॉइन बाई स्टीफन डाउन्स. अब आप बताइए कि स्टीफन डाउन्स को अभी हम लोगों ने शाम मतलब पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्टीफन डाउन्स जब पहला अपना कोर्स बना रहे थे कनेक्टिविस्ट एंड कनेक्टिव नॉलेज, जिसको CCK08 के नाम से प्रचलित है, उन्होंने ही सी MOOC और एक्स MOOC के टर्म दिए हैं. को क्रिएटर ऑफ द फर्स्ट सी MOOC टू हिट द वेब, यानी कि जो ये पहला MOOC बना रहे हैं वो सी MOOC था. ठीक है, फिर सी MOOC क्या है, सी MOOC इज बेस्ड ऑन कनेक्टिविस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर लर्निंग मॉडल. हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि जो लर्निंग जो थ्योरी आजकल चल रही है, जो लेटेस्ट है, वो कनेक्टिविस्ट लर्निंग पैराडाइम चल रहा है, जिसमें कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन अप्लायंसेस के बीच का कनेक्शन जो है वो लर्निंग क्रिएट कर रहा है. तो सी MOOC इसी कनेक्टिविस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर लर्निंग मॉडल पे बेस्ड है. एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द MOOCs आर प्रीडोमिनेंटली एक्स MOOC, ये हमको जानना है. ये साइमन कह रहे हैं 2012 में कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने जो जो कौन से MOOC पे कौन सा MOOC के क्रिटिकल रिव्यू किया है, वो कौन से तरीके का CEX, वैसे बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन जाएगा, फिर भी पूछा जा सकता है. तो आप बताएंगे कि आप जनरली प्रीडोमिनेंटली सारे MOOC जो आजकल बन रहे हैं वो एक्स MOOC ही हैं, सी MOOC नहीं है. ओके, सी MOOCs किस पे फोकस करते थे, नॉलेज क्रिएशन एंड जनरेशन. जबकि हम जो MOOC पढ़ रहे हैं उसमें किसी नॉलेज का क्रिएशन जनरेशन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है नॉलेज का. वेयर इज एक्स MOOCs फोकस ऑन नॉलेज डुप्लीकेशन, यानी कि सी MOOC का उद्देश्य क्या है कि ज्ञान का कैसे निर्माण हो, ज्ञान कैसे उत्पादित हो, जबकि एक्स MOOC सिर्फ बना बनाया ज्ञान है, हम उसको डुप्लीकेट करते जा रहे हैं. ओके, द्विगुणित त्रिगुणित कर रहे हैं. सी MOOCs आर बेस्ड ऑन द लर्निंग थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म, हमने आपको बता दिया, विच एम्फसाइजेस द पावर ऑफ नेटवर्किंग विद अदर इंडिविजुअल्स, ग्लीनिंग फ्रॉम डाइवर्स ओपिनियंस एंड फोकसिंग ऑन एंड गोल्स एज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग. पीयर लर्निंग पे बेस्ड है सी MOOC आपका, लर्निंग कम्युनिटी पे बेस्ड है, कनेक्शंस पे बेस्ड है, जबकि एक्स MOOC पे ऐसा कुछ नहीं है. दीज MOOCs यानी कि सी MOOCs आर बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग हैपेंस विद इन ए नेटवर्क.
where learners use digital platforms such as blogs, wikis and social media platforms. जब जब भी collaboration की बात आती है, web 2 की बात आती है, तो blogs, wikis और social media की बात आती है. Platforms to make connections within content, learning communities and other learners to create and construct knowledge. यानी कि आप कह सकते हैं कि upper edge पे है CMOOC, क्योंकि वो connection पे की बात कर रहा है, वो collaboration की बात कर रहा है, वो knowledge creation की बात कर रहा है, जबकि XMOOC क्या है, वो सिर्फ knowledge का duplication है. Okay, then XMOOC में क्या है, instead of being structured as an open online community of learners, XMOOCs are based on a mere more traditional classroom structure. आप कह सकते हैं कि XMOOC में भी सिर्फ एक तरीके से classroom की पढ़ाई जैसा ही कुछ है, बस वो ऑनलाइन है, वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है. यहाँ पे भी प्रोफेसर जो है वो अथॉरिटी पे है, यहाँ पे भी आपस में आपका इंटरेक्शन कम है, यहाँ पे भी हमारा प्री डिटरमाइंड गोल्स की तरफ हमारा ज्यादा इंफेसिस है, इस तरीके का है. दे आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर विद क्विजेस, टेस्ट और अदर असेसमेंट. इसी तरीके का होता है ना MOOC, हम लोगों ने जितना भी पढ़ाया किया है, कहीं पे भी बहुत ज्यादा कनेक्शंस, कोलैबोरेशन, लर्निंग कम्युनिटी, कनेक्टिविज्म, इस तरीके का एम्फेसिस नहीं है. XMOOCs are centered around a professor rather than around a community of students, क्योंकि वहाँ professor main है, जो कि pre-recorded lecture जिसका आ रहा है, उसी ने quizzes बनाई है, उसी ने end goal determine किया है, उसी ने objectives बनाए हैं, तो वही whole soul है वहाँ पे. The world of XMOOCs is centered चाहिए हो गया rather than around a community of students and is expanding to cover more and more topics every day. मतलब इसका main emphasis है कि जल्दी से ज़्यादा courses पढ़ा सके, बना सके, knowledge creation या generation पर नहीं है. तो ये clear cut difference आपको पता होना चाहिए CMOOC और XMOOC के बारे में, और ये भी आपको बताना चाहिए कि आप जिस generally जो हम इस वक्त MOOC पढ़ते हैं या करते हैं या रिव्यू करते हैं या स्टडी करते हैं या उसके हिस्सा बनते हैं, वो एक MOOC ही होता है. फिर अगर हम इसका रेगुलर फॉर्म में डिफरेंस देखना चाहें, CMOOC में कनेक्टिविस्ट पेडागॉजी है, जबकि XMOOC ट्रेडिशनल पेडागॉजी की बात कर रहा है. CMOOC में कोलैबोरेटिव मॉडल है, कोलैबोरेटिव मॉडल मतलब आप पीयर लर्निंग होगी, ग्रुप लर्निंग होगी, नेटवर्किंग होगी, कम्युनिटी होगी, जबकि यहाँ पे ट्रेडिशनल मॉडल ही है, यानी कि प्रोफेसर ही अथॉरिटी पे है, जो आपका इंस्ट्रक्टर है उसी के पास अथॉरिटी है. CMOOC में ओपन रिसोर्सेज है, क्रिएटिव कॉमन्स है, और इसमें लर्नर खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपनी नॉलेज, जबकि XMOOC में क्या है, प्रोप्राइटरी रिसोर्सेज है, इट कैन बी क्रिएटिव कॉमन, बट जनरली क्या है, प्रोफेसर का दिया हुआ लेक्चर है, उसका मटीरियल है. CMOOC में गोल्स ओपन है, मतलब गोल्स पहले से सेट नहीं किए गए हैं, प्री डिटरमाइंड नहीं है, पूर्व निर्धारित नहीं है, इसमें आप खुद अपना गोल सेट कर सकते हैं, जबकि XMOOC में डिफाइंड है गोल्स की, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको पहले बता देते हैं ना कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस MOOC यू विल बी एबल टू दिस 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 दिस. देन CMOOC में क्या है, फुल इंटरैक्टिविटी, यहाँ इम्फेसिस ही इंटरेक्शन पे, यहाँ इम्फेसिस ही कनेक्शन पे है, जबकि XMOOC में लिमिटेड इंटरैक्टिविटी है. और CMOOC में डोमेन भी एक्सटेंडेड, मतलब आप कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं ये भी पूर्व निर्धारित नहीं है, और ये एक्सटेंडेड है, विस्तारित है, जबकि XMOOC का हमारा फोकस्ड है कि मतलब इतने मॉड्यूल आएंगे इस MOOC में, फर्स्ट वीक में इतना क्विज है, उसमें इतना पासिंग मार्क्स है, और इस तरीके से असेसमेंट का क्राइटेरिया है. ओके तो ये मेन दो टाइप के MOOC हैं, और बहुत बहुत मतलब कम पॉपुलर है अभी ये टर्मिनोलॉजी, बहुत कम लोग अभी इसके बारे में जान रहे हैं, तो आप जान चाहिए तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि आपने कुछ नया जाना. और आई थिंक कि मैंने अब MOOC को इन टोटैलिटी पूरा कवर कर लिया है, 3 वीडियो MOOC पर बने हैं, एक MOOC, एक हिस्ट्री ऑफ MOOC, एक टाइप ऑफ MOOC, है ना. तो अब आई थिंक कि आप पूरे जानकार हो गए MOOC के. ओके सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. ओके डन.